जिहाना आसरीन जो खेड़े सो खाए जो नारो डींद सूफी शायना शे जे सालियाने उर्स जो तकरीबू झोक शरीफ में शुरू थी वयूं आहिन जिते संदस अकीदतमंद जी आमन जो सिलसिलो भी जारी आहे। शायना शे जी हयाती बाबत तफसील हिन रिपोर्ट में। सूफी शायना शहीद 1656 ईस्वी यानी 1066 हिजरी में जन्म वरतो। उन शुरू में बुरहानपुर शहर में सूफी अब्दुल मालिक की सोहबत हासिल कई ए पंज वर्ष उन्हें नजरदारी ए तरबियत हेठ रहो। शायना सूफी के वालिद जो नालो मखदूम फजलुल्लाह हो जो पिण पांजे वक्त जो वो दरवेश हो। शायना सूफी हक की गोल्हा में वा सफर किया ए काफी अरसे का दखन पोची वो जिते शाह अब्दुल मालिक से मुलाकात थियस ए संदस हुक्म मुताबिक बड़ी रियाजतू कई। जहरी इल्म शाहजहान के शाह गुलाम मोहम्मद वटा पिराई उन्होंने मुरीद थो। शाह अब्दुल मालिक खां इजाजत वी ठटे में आयो ए ठटे में लड़े मीरापुर के गोठ में आयो जैके झोक वो है उत खानकाह ठाए वेठो जिते हजारे मुरीद थियण लगस। अड़ो वायुमंडल डी शाह करीम पोटा सैयद संदस हासिद थिया दिल्ली के हाकिम ताई मथस फरियाद खड़ी व्या तो हि फसाद पो कराए। ठठे के हाकिम नवाब आजम खान भी उन्होंने पुठभराई कई। आखिर बादशाह के हुक्म से वो लश्कर आयो ए सन 1130 हिजरी में शाह इनायत के शहीद कर। शायनात आलम फाजिल ए शायर भी हो। संदस फारसी ए सिंधी में शेर मौजूद हैं। शायनात के सिंध के सूफी बुजुर्गन जो सरताज पिण वो है। उन दौर में शायनात सूफी एक मुनजम सियासी उभार वाली तहरीक पिण हलई हुई जैसे जो खेड़े सुखाए वे नारे हेठ याद किया वो है। संदस नारो उन वक्त सिंध के कुंडकुरशा में मशहूर थी वो। हजारे सिंधी लड़े अची झोंक में संदस पनाह में विहण लगा। तारीख के वर्कन में जान पवे थी तो जैसे दुश्मन लाइ बो को चारो न रो तो गालन ठा बहाने खेस घुराए कतल कर। जैसे झोंक झुरो तो शाह इनायत के मुरीदन जो कतल आम किया वो केतरनी मुरीदन के गोले गोले मारे वो। पर शाह इनायत के फिक्र ए संदस लाजवाल नारे जो खेड़े सुखाए के को भी शिकस्त न दई सको। अज जडे भी शायनात सूफी के जन्म डी झोंक में मेलो लगे तो संदस हजारे अकीदतमंदन से गड सिंध जा वतन दोस्त मोहब्बत कदड़ नौजवान यूनिवर्सिटी कॉलेज जा शागिर्द ए मुख्तलिफ शहर में गाड़ियों काहे अची झोंक में गाहट डन था।